मनुष्य को सदा अपने मार्गदर्शक रूपी गुरु की जरूरत रहती है। संसार रूपी भवसागर को पार कर ईश्वर के पास पाप मुक्त होकर जाने का ये एक रास्ता है। मनुष्य की यह भी इच्छा रहती है कि बार बार जन्म लेने के झंझट से छुटकारा पा सके तथा मुक्ति को पा सके। उक्त वचन माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम में करवाए गए साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ के उपरांत आए हुए सभी माँ भक्तों से अपनी बात को साझा करते हुए धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज ने भक्तों पर अमृत वर्षा करते हुए कहे, जहां सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन मां बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान सुभाष चंद्र शर्मा से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। उन्होंने गुरु की महिमा का विस्तार सहित वर्णन किया और कहा कि जीवन भर के लिए संस्कारों में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु जीवन की हर मुश्किल का हल करते हैं। इस दौरान हवन यज्ञ के उपरांत 30 जुलाई रविवार को मां बंगलामुखी जी को 56 भोग महोत्सव की तैयारियों की चर्चा एवं सेवादारों की ड्यूटियां भी लगाई गई। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, अश्विनी शर्मा धूपवाले, सुदेश शर्मा, समीर कपूर, संजीव शर्मा, प्रवीण, रोहित भाटिया, लवली रलहन, बाबा जोशी, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र कुमार शर्मा, प्रदीप शर्मा, नवदीप, राजीव भारद्वाज, अशोक शर्मा, अजीत कुमार, अश्विनी शर्मा, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, भानु मल्होत्रा, मानव शर्मा, अश्विनी थापर, जसप्रीत सिंह, राकेश, सौरभ मल्होत्रा, हंसराज, दीपू ठाकुर, अभिषेक बनोट, श्याम साहनी, ठाकुर बलदेव सिंह, रोहित अरोड़ा, लकी, रवि वर्मा, रमन कुमार, जसविंदर सिंह, सुनील जग्गी, प्रिंस, मदन सिंह, अमित शर्मा, ज्योति, सुमित कुमार सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। भवसागर संसार जिहड़ा हैगा इहनूं किते पार करना, उहदे च मार्गदर्शक अजकल इंग्लिश कहिंदे मेंटर, कई कुछ कहिण लग पए हुण तां, ठीक है। सो तुहाडा जिहड़ा सच्चा मार्गदर्शक है जिहड़ा इस भवसागर तों माँ बगलामुखी धाम च जिहड़ा सप्ताहिक दिव्य हवन का हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, माँ के सेवादारा ने बड़े ही लगन के नाल और चावां के नाल महामाई के आए सारे भगतों का आदर सत्कार सहित हवन यज्ञ आहुतियां डलवाइया और महामाई के चरणों नाना प्रकार के व्यंजन और नाना प्रकार दी जड़ियां बूटियां हवन यज्ञ किया गया। मैं इस दे नाल दसना चाहना कि 30 जुलाई दिन रविवार जिहड़ा कि साल च एक बार महामाई का दिन आता है जिदन माँ को 56 भोग लगाए जाते हैं और ये दिन 30 जुलाई दिन रविवार को है। सारे माँ भगतों ने हुम हुमा के पहुँचना सब परिवार और जिहड़ा भी कोई अपने घरों किसी भी तरह का कास्ट नौ बार महा माँ के सारे पुत्र है, कोई जातिवाद असी यकीन नहीं करते और सानू कई लोगों के फोन भी आए हैं, कोई भी अपने घर सुचा चौंका करके और केसी स्नान करके बिना लसन प्याज तो कोई मिठी चीज़ या नमकीन वस्तु कोई भी बना के महामई के चरणों लिया सकता। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है भी 10:30 तक 11 बजे तक इतने चीज़ वो वस्तु पहुँची होवे जो आप महामई के चरणों के जिहड़ी भेट है वो चढ़ा सकीए, क्योंकि 12 to 1 बजे तक महामई नूं भोग लगने हैं। जो उस दौरान आती है तो थोड़ा जिहा हौज पौज हो जाता क्योंकि ज़्यादा साधन जिहड़े है वो आ जाते हैं तो माँ को भोग लगाना कई बार मुश्किल हो जाता। पिछली बार 650-700 भोग सी और ऐतकी महामाई की कृपा नाल 1100-1100 भोग महामाई नूं लगेगा और यही साड़ी माँ के चरणों के अरदास बेनती है कि अपने सारे जिहड़े भगतों के मन निर्मल करो और मत उच्ची करो और ऐदे ही सानूं उतलित बल दिओ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਕਾਰਾ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਗੁਰਮੋਹਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਵਨ ਯੱਗ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਹੂਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 30 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਰਵੀਵਾਰ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਨੂੰ 56 ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣ।